हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। दोस्तों, आज लेंस डाउन सीरीज में हमारा लास्ट डे है और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी कॉटेज 27 किलोमीटर्स फार अवे है फ्रॉम लेंस डाउन, तो हमने ऐसा प्लान किया कि हमें लेंस डाउन जाना ही है तो साइट सीइंग करते हुए दिल्ली निकल जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और ये हम लेंस अपने कॉटेज से चल पड़े लेंस डाउन की तरफ और धीरे धीरे सभी पहाड़ियों को एक बार फिर से बाय बाय करते हुए ये देखिए लेंस डाउन में हमारी एंट्री। दोस्तों, लेंस डाउन एक कैंटोनमेंट एरिया है और बहुत ही शांत, भीड़ भाड़ से दूर। अर्ली इन द मॉर्निंग वी एंटर्ड इन लेंस डाउन। ये देखिए फ्रेंड्स, लेंस डाउन में हमने एंट्री की और ऐसा कुछ देखने को मिलता है दोस्तों रोड्स पर लेंस डाउन के आर्मी की झलक आती है कदम कदम पर। ये देखिए, ये सेंट जॉन्स चर्च फ्रेंड्स ऑन द रोड। उसके बाद दोस्तों पहला जो हमने पॉइंट लिया दैट वाज टिफिन टॉप, इट इज़ आल्सो नोन एज टिफिन टॉप। ये लगभग 1 किलोमीटर है सिटी सेंटर से और एक छोटा सा हिल टॉप है। यहाँ टिकट लेने के बाद हमने ट्रैकिंग की, दैट वाज अराउंड 100 मीटर्स। नाम से ही पता लगता है दोस्तों कि ये हायर पॉइंट है लेंस डाउन का और जो अट्रैक्शन यहाँ का है वो लाइक हेवन। ये देखिए, आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे शहर के साथ साथ फॉरेस्ट भी आप देख सकते हो इस पॉइंट से और यह है स्काईलाइन देखने के लिए बेस्ट प्लेस है फ्रेंड्स। शिवालिक रेंज और पैनोरामिक गढ़वार हिल्स और हिमालयन रेंज भी आप यहां से आसानी से देख सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए, एकदम से पूरा आप लेंस डाउन को यहाँ से देख सकते हो, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट आल्सो। बहुत ही पीस और काल्मनेस है फ्रेंड्स यहाँ, एकदम से शांति। यहाँ हम कुछ देर रुके और यहाँ के नज़ारे जो हैं उनके हमने लुफ्त उठाया उनका। उसके बाद दोस्तों हम आए भुल्ला ताल। दोस्तों, भुल्ला ताल बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है। ये देखिए, ये पार्किंग बहुत ही स्पेसियस। भुल्ला ताल दोस्तों, इट इज मेंटेन्ड बाय इंडियन आर्मी और इसको बनाया भी इंडियन आर्मी ने ही था और वेरी वेल मैनेज्ड जो हमें यहाँ देखने को मिला पूरा मैनेजमेंट। ये कुछ एनिमल्स और बर्ड्स शुरू में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। दोस्तों बेसिकली आप बोटिंग कर सकते हो और एक एम्यूजमेंट पार्क भी है। ये देखिए भुल्ला लेक का व्यू, एकदम साफ। ये लेक भी चारों तरफ से घिरी हुई है दोस्तों पेड़ों से और यहाँ हमने बोटिंग की भुल्ला लेक में हार्दिक के साथ। देखिए हार्दिक इज एंजॉइंग एंड पासिंग फ्लाइंग किसेस टू ऑल। यहाँ भी फ्रेंड्स लगभग 1.5 से 2 घंटे सफिशिएंट हैं बिताना। पूरा लेंस डाउन फ्रेंड्स आप अगर साइट सीइंग की बात करें तो विद इन 3 to 4 hours आप उसको कंप्लीट कर सकते हो और आज हमने भी यही प्लान किया फिर, इसीलिए हमने आते वक्त ही सारी साइट सीइंग लेंस डाउन की। ये देखिए ब्रिज, कुछ कुछ ये हैंगिंग ब्रिज टाइप है फ्रेंड्स, तो हल्का सा महसूस होता है आपको इस पर खड़े होते हो तो वाइब्रेशन और नीचे पानी दिखता है, तो हार्दिक थोड़ा सा घबराया था बट इसको भी अच्छा लगा यहाँ। देखिए हार्दिक धीरे धीरे
ब्रिज को क्रॉस करते हुए। ये देखिए गार्डन भी है यहाँ बहुत अच्छा, बच्चों के लिए झूल लगे हुए हैं। और कुछ देर रुकने के बाद दोस्तों हम फिर यहाँ से चल पड़े। हार्दिक हैविंग आइसक्रीम इन कोल्ड। उसके बाद दोस्तों हम गए दरवान सिंह रेजिमेंटल म्यूजियम। फोटोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं थी, ये सामने जो रोड गया इसके ऊपर जाके दोस्तों है वो, तो वहाँ के फोटोग्राफ्स शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत अच्छा था वो भी। बिल्कुल सिटी के सेंटर में है फ्रेंड्स ये। देखिए एक एयरक्राफ्ट बाहर जो पार्क है वहाँ लगा रखा है ये लोगों को देखने के लिए, सी हैरियर नाम का। दोस्तों इस म्यूजियम का नाम विक्टोरिया क्रॉस होल्डर दरवान सिंह नेगी के नाम पर पड़ा है, और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डिफेंस म्यूजियम है। लैंसडाउन का मोस्ट अट्रैक्टिव म्यूजियम है ये। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद दोस्तों हम अपना वापस दिल्ली की तरफ चल पड़े। देखिए सीनिक ब्यूटी अगेन, और धीरे धीरे और भी अच्छे व्यूज़ आए फ्रेंड्स रास्ते में। जैसे वो कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन से बेहतर ट्रेवलिंग, तो ऐसा कुछ लैंसडाउन में महसूस होता है फ्रेंड्स। सफ़र बहुत अच्छा है मंजिल से। और धीरे धीरे हम अपना प्लेन्स में आ गए। रास्ते में रुक के वी हैड आवर लंच इन वन रेस्टोरेंट, जहाँ हमने लंच किया था फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा खाना मिला था यहाँ, एकदम से हाइजीनिक। उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंड्स हम दिल्ली की तरफ बढ़े। देखिए हार्दिक इज हैप्पी एज ऑलवेज, और ये हमारा घर। दोस्तों भी विश कि आपको ये सारे वीडियोस पसंद आएंगे हार्दिक के। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द ही आपके साथ फिर मिलते हैं हार्दिक के नए वीडियोस के साथ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस।